नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव चावला, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट और एडवांस एंडोस्कोपिक, कानपुर मेडिकल सेंटर, लाजपत नगर से आपसे बात कर रहा हूं। और आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में क्या फ़र्क है। एंडोस्कोपी तो सबको ही पता है कि क्या होता है। इसमें एक दूरबीन डाली जाती है पेट में और उसमें कैमरा और लाइट सोर्स होता है और उससे हम आंतों के अंदर अल्सर्स, ट्यूमर्स, आंतों की लाइनिंग कैसी है वो सब देख सकते हैं। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये टेक्नोलॉजी है जिसमें अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की मशीन को मिला दिया गया है, यानी हमारे एंडोस्कोप में ही अल्ट्रासाउंड की मशीन है और उसके टिप में अल्ट्रासाउंड का प्रोब लगा रहता है। तो जब हम अपना एक बटन दबाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड की वेव्स वहाँ से जनरेट होती है और हम अंदर आंतों के पास से जाके वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और बहुत क्लियर पिक्चर पैनक्रियास का, गॉल ब्लैडर का, बाइल डक्ट का, मीडियास्टाइनम का बहुत अच्छा पिक्चर्स आते हैं और बड़ी सेफली हम कई जगह से बायोप्सीज ले सकते हैं, जो पहले बहुत मुश्किल होता था, जिसके लिए डायग्नोसिस बनाना बहुत मुश्किल होता था। ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है लीनियर प्रोब जो कि 180 डिग्री हमें वेव्स देता है और एक होता है रेडियल प्रोब जो 360 डिग्री अपने अल्ट्रासाउंड की वेव्स निकालता है। तो जो 360 डिग्री निकालता है तो उसमें कोई बायोप्सी चैनल या कोई थेरेपेटिक वर्क नहीं हो सकता है, कोई मतलब उससे सिर्फ अल्ट्रासाउंड होगा। लेकिन आजकल जो प्रचलित है वो है लीनियर प्रोब। उसकी इस विशेषता ये है कि उसके साथ हम अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम उसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं, कहीं से भी बायोप्सीज ले सकते हैं। कई नए ट्रीटमेंट आए हैं जो हम आसानी से इंजेक्शन करके दे सकते हैं या हमें रेडियोथेरेपी करके दे सकते हैं, क्योंकि हम वो उस बायोप्सी चैनल या एक्सेसरी चैनल से वो सब इंस्ट्रूमेंट्स डाल के जो हमारा टारगेट लीजन है उसको प्रचलित करके देख सकते हैं। हमारी जो पेट की लाइनिंग है वो पांच होती है यूजली आंतों की, म्यूकोजा, मस्कुलैरिस म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस प्रोपिया एंड सिरोसा। ये पांच लाइनें हमें कोई टेस्ट नहीं बताता, ना सीटी स्कैन ना एमआरआई, ये सिर्फ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ही बता सकता है। ये इसका फायदा ये है कि अगर कोई बीमारी है जो सिर्फ ऊपरी भाग में है, मस्कुलैरिस म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर म्यूकोजा में, तो वो एंडोस्कोपी के द्वारा ही उसको निकाल दिया जाता है बॉडी से, सर्जरी से पेशेंट बच जाता है। और जो कि बीमारी अंदर चली गई है, कोई भी ट्यूमर अंदर चला गया है, सिरोसा तक चला गया है, उसके बाहर चला गया है, तो उसे सर्जरी की तो एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट जिसको जो चाहिए वो आसानी से, इससे पहले ट्यूमर स्टेजिंग में ये मदद करता है और ये इतना अर्ली जो चीज़ें है वो और कोई टेस्ट नहीं बता सकता। तो इसका हिपेटोबिलरी पैनकेटिक डिसऑर्डर्स में बड़ा योग है। तो यूजली जो लिवर की, पैनक्रियास की और बाइल डक्ट की प्रॉब्लम होती है उसमें इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का बहुत रोल है। उसमें बेसिकली पहली बीमारी मैं ये कहूँगा कि हमारे कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन, जिसे कोलिडोकोलिथियासिस कहा जाता है। गॉल स्टोन्स तो आपने सुना ही होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन, वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में आराम से पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो कॉमन बाइल डक्ट का स्टोन है वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड 50% लोगों में मिस कर देगा। तो और ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है मोर देन 99% है, कभी मिस नहीं करेंगे अगर किसी ने ठीक से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें पूरी पित्त की नली जो है ऊपर से लेके जहाँ से वो शुरू होती है लिवर में और नीचे जहाँ आंतों तक जुड़ती है पूरी नली दिखती है, उसे हम ट्रैक करते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है, स्टोन्स जो हम इस बार बात कर रहे हैं, आसानी से दिख जाते हैं। जो अब मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ उसमें देखिए, पहले जो है नीचे स्टोन है, एक फंसा हुआ एरो दिखा रहा है, दूसरे चित्र में भी स्टोन है, दो स्टोन्स दिख रहे हैं और तीसरे में भी स्टोन्स दिख रहे हैं। तो वो तीनों आपको आसानी से दिख जाएगा कि वो एक स्टोन जब दिखता है नली में तो शेडो मारता है नीचे, तो वो आसानी से दिख जाता है। दूसरा, ये एक बीमारी होती है पैनक्रियास की सूजन, एक्यूट पैनकेटाइटिस, जिसके दो मुख्य कारण होते हैं, शराब, स्टोन्स। तो यूजली जब हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन तो दोनों नॉर्मल आता है, तो हमें लेबल करना पड़ता है इसे इडियोपैथिक पैनकेटाइटिस। बट
कभी कभी क्या होता है बहुत केसेस में जो गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जिसे माइक्रोलिथियासिस कहते हैं, 3 mm से कम, या गॉल ब्लैडर में एक रेत की तरह कचरा भरा होता है, बालू की तरह, उसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर स्लज। ये दो एक कारण होते हैं जो पैनकेटाइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने डायग्नोज किया है, और ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में आसानी से पकड़ लिए जाते हैं। इवन गॉल स्टोन पैनकेटाइटिस में भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गॉल स्टोन पैनकेटाइटिस में सबको ERCP की जरूरत नहीं होती। अगर स्टोन निकल चुका है, CBD में कोई स्टोन उस वक्त नहीं है, तो वो नेगेटिव ERCPs बच सकती है। और एक्यूट पैनकेटाइटिस में अगर कारण नहीं मिल रहा है तो ये GB स्लज और माइक्रोलिथियासिस मिलने के चांसेस 75% होते हैं। तो एक्यूट पैनकेटाइटिस में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का। एक बीमारी होती है जिसमें कीड़े चले जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट में, जिसे कहते हैं बिलेरी एस्केरियासिस। तो क्योंकि हमें कॉमन बाइल डक्ट ऊपर से नीचे तक पूरा दिखता है, तो उसमें भी हमें एक लीनियर शेडो दिख सकती है बाइल डक्ट की एस्केरियासिस की, और हमें गोल गोल करके भी एस्केरियासिस अंदर दिख सकता है जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो सकता है, फिर हम ERCP करके उसको निकाल देते हैं। एक बीमारी होती है रिकरेंट एक्यूट पैनकेटाइटिस, यानी बार बार पैनक्रियास में सूजन आना। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखिए चित्र में दिखा रहे नॉर्मल पैनक्रियास जो होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में सॉल्ट एंड पेपर की तरह दिखता है, लेकिन जब रिकरेंट एक्यूट पैनकेटाइटिस होती है तो डक्ट में चेंजेस आने की संभावना होते हैं। यूजली आगे जाके डक्ट चौड़ा हो जाता है, डक्ट में पत्थर आ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक पैनकेटाइटिस है, या कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर है जो ब्लॉक कर रहा है उस डक्ट को, तो वो ट्यूमर दिख जाता है और हमें कारण पता चल जाता है उसे पैनकेटाइटिस बार बार क्यों हो रही है। अब एक बीमारी है जिसे कहते हैं हम लोग क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनकेटाइटिस, यानी क्रॉनिकली पैनक्रियास खराब हो गया है, छोटा हो गया है, उसमें स्टोन आ गए हैं, पैनक्रियास में पत्थर बन रहे हैं उसके पैरेन्काइमा में और उसके डक्ट्स में भी पत्थर बन रहे हैं, तो वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में आसानी से वो पत्थर दिख जाते हैं पैनक्रियास के अंदर भी, डक्ट के भी अंदर भी, जो उसके शुरुआती साइंस होते हैं कि डक्ट चौड़ा हो जाता है, डक्ट की मार्जिन्स प्रोमिनेंट हो जाती है, एक लोब्यूल से बन जाते हैं लोबुलैरिटी, तो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो आसानी से दिख जाता है हमें क्रॉनिक पैनकेटाइटिस का। अब 25% जो पैनकेटाइटिस के केस होते हैं उसमें सूडोसिस्ट बन जाती है, वो रप्चर करता है डक्ट और एक वो सिस्ट बना देता है, उसे कहते हैं सूडोसिस्ट। तो उसका बहुत बड़ा रोल है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का, एक तो डायग्नोसिस में, कभी कभी वो सूडोसिस्ट होती है, कभी कभी वो वॉल्ड ऑफ पैनकेटिक नेक्रोसिस होती है, उसमें कचरा भरा होता है या सिंपल पानी भरा होता है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर सिंपल पानी भरा है तो हमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ही जरिए, पेट के जरिए हम स्टेंट डाल देते हैं और वो पानी निकल जाता है, उसमें हमें प्लास्टिक स्टेंट डालना होता है। अगर मोटे कचरा जमा है तो हमें एक मेटल स्टेंट होता है वो डालना होता है, ल्यूमन अपोजिंग स्टेंट्स होते हैं जैसे कि नागी स्टेंट, एक्सियोस स्टेंट्स, पाक्सर स्टेंट, तो इन सबको ही एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए, पेट के जरिए बिना ऑपरेशन के ही इसका इलाज हो जाता है। जो दूसरे सिस्ट भी है पैनक्रियास के, सिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं जैसे सीरियस सिस्टेनोमा, म्यूसनस सिस्टेनोमा या कोई भी IPMN ट्यूमर्स, वो आसानी से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में दिख जाते हैं। अब पैनकेटिक कैंसर में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। पैनकेटिक कैंसर में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक तो वो दिखा देगा कि पैनक्रियास के अंदर एक हाइपोइकोइक लीजन है, यानी ट्यूमर बन रहा है। दूसरा महत्व ये है कि वो पैनकेटिक कैंसर को ये भी बता देगा कितना फैला हुआ है, उस आसपास उसमें वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, जैसे कि स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक आर्टरी, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, सब का इन्वॉल्वमेंट आसपास वो कितना फैला हुआ है ये बता देगा, लिवर तक फैला है कि नहीं। तीसरा, कई लोग ऐसे जो होते हैं उनको बहुत पेन होता है, तो वो अगर पेन का मैनेजमेंट करना है तो वहाँ पे हम लोग सीलिक गैंग्लियन के पास न्यूरोलाइसिस करते हैं, वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं, ब्यूपिवोकेन इंजेक्शन देते हैं, और उसके बाद हम एब्सोल्यूट अल्कोहल करके गैंग्लियन में न्यूरोलाइसिस करते हैं, तो अंडर विजन बड़ा सेफली हो जाता है। अगर डायग्नोसिस के लिए हमें टिश्यू चाहिए तो वो भी उसी सिटिंग में, पहले हम USFNB
के जरिए निडल डालते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए, आसानी से बायोप्सी कर लेते हैं और आराम से हमें टिश्यू डायग्नोसिस भी हो जाती है और पेन का भी मैनेजमेंट हो जाता है। अब एक बीमारी होती है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स ऑफ पैंक्रियाज, जो रेयर बीमारी है। तो पैंक्रियाज में जैसे इंसुलिनोमा, इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो इंसुलोमा कहते हैं, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं तो गैस्ट्रिनोमा। तो जो पैंक्रियाज के एंडोक्राइन सेल्स कभी कभी ट्यूमर बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से दिख जाते हैं पैंक्रियाज में यूएस के जरिए, और ये यूजली आइसोइकोइक होते हैं, वेल डिफाइंड, छोटे होते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर के होते हैं सिर्फ। तो इतने छोटे लीजेंस भी आसानी से दिख जाते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए। एक बीमारी होती है जिसे ऑटो इम्यून पैंकेटाइटिस कहा जाता है, और ये कैंसर ऑफ पैंक्रियास के बिल्कुल एक जैसे ही प्रेजेंटेशन होता है। दोनों में पेशेंट को डक्ट ब्लॉक की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। जब सीटी स्कैन कराया जाता है तो दोनों में ही आता है कि पैंक्रियास में मास है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए जब देखा जाता है तो पैंक्रियास सॉसर शेप्ड हो जाता है, और उसी सिटिंग में वहां से बायोप्सी ली जाती है। उसी वक्त उस बायोप्सी को देखते हैं तो देखते हैं कि कैंसर सेल्स तो है ही नहीं इसमें, इसमें लिम्फोसाइट्स है, बेनाइन सेल्स है। तो ऑटोइम्यून पैंकेटाइटिस की डायग्नोसिस तब डायग्नोस की जाती है, और पेशेंट को 4 हफ्ते सिर्फ स्टेरॉइड्स दिया जाता है और उसी से वो ठीक हो जाता है, एक कैंसर का ऑपरेशन बच जाता है। ऐसे ही अन्य बीमारियां पैंक्रियास की होती है, ट्यूबरक्लोसिस, पैंक्रियाटिक सार्कोइडोसिस, जो रेयर है, लेकिन जब अगर हम टिश्यू ले लेते हैं तो हमें डायग्नोसिस 100% कंफर्म हो जाती है कि क्या है, और ये आसानी से टिश्यू डायग्नोसिस पैंक्रियास की एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए ले लिया जाता है। अब लिवर में भी बहुत महत्व है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लिवर में एक छोटे ट्यूमर्स को आसानी से पता लगा लेता है, मेटास्टेसिस जो दिखते हैं गोल गोल। अगर हार्डनेस देखी जाए तो इलास्टोग्राफी करके हम, ये हार्ड होते हैं यूजुअली, और यूजुअली ये इसका महत्व ये है कि कई बार कैंसर पेशेंट्स को सर्जरी रिकमेंड की जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं और खोलते हैं और पेट को, तो देखते हैं कि लिवर में तो पहले से ही ट्यूमर है, उन्हें फिर नेगेटिव लैपरोटमी यानी उन्हें सिर्फ पेट बंद करना होता है, क्योंकि कोई भी ट्यूमर अगर लिवर में फैल गया है तो पहले उसको कम करना चाहिए, लिवर का इलाज करना चाहिए। जब वो ट्यूमर खत्म हो जाए या रिसेक्टेबिलिटी नहीं है तो उस हिसाब से मैनेजमेंट ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर ये मोडेलिटी की जाए तो मेटास्टेसिस लिवर की आसानी से देख ली जाती है, और कई स्टडीज हुई हैं रिसर्च, उसमें देखा गया है कि 20 से 30% जो नेगेटिव लेप्रोटमी का रेट इस टेस्ट के होने की वजह से कम हो गया है। दूसरा इसका रोल जो है पोर्टल हाइपरटेंशन या लिवर सिरोसिस में भी है। अगर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया जाए तो लिवर के आसपास जो पानी आ जाता है साइटिस, वो आसानी से देख लिया जाता है। लिवर थोड़ा पोर्टल वेन का डायमीटर आसानी से मेजर कर सकते हैं, और 12 mm से ऊपर हो तो उसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर इसको देखा जाए तो लिवर सिकुड़ सा जाता है, नोडुलर मार्जिन्स होते हैं, इररेगुलर सरफेस होता है, और कॉर्डेट लोब जो है वो हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसे वॉल्यूम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिवर कहते हैं। तो वो सब चीजें आसानी से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से देखी जाती है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लिवर की बीमारियों के लिए, पैनक्रियास की बीमारियों के लिए, गॉल ब्लैडर की और बाइल डक्ट की बीमारियों के लिए, चाहे वो बिनाइन हो, पत्थर वाली स्टोन्स हो, या इन्फेक्शंस हो, कीड़े हो, या फिर कैंसर्स हो, इन सब बीमारियों में एक तो डायग्नोसिस में बहुत ही उपयोगी है, दूसरा मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी है कि हम उसमें आसानी से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ट्रीटमेंट बदल सकते हैं अगर हमें सही इंफॉर्मेशन है उस वक्त। अगर आपको कोई भी क्वेरी है लिवर पैंक्रियाज या इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।